हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है सोन रिवर। तो देखिए, यहाँ पर सोन रिवर के बारे में बात करी जा रही है। सोन नदी जो है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हो, या यू कैन सी इन द मैप, ये रही आपकी सोन नदी। ठीक है, यहाँ पे केन रिवर है, यहाँ पे चंबल है, ये आपकी यमुना नदी, और ये गंगा नदी के पास है आपकी सोन नदी, जो कि हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। अब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने इशू किया है डायरेक्टिव कि भाई किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटीज जो है, जो कि आपकी सोन नदी में, सोन नदी का जो रिवर बेड है वहां पर जो चल रही थी, उनको बंद कर दिया जाए। अब ये सोन नदी आपकी सोन भादरा डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश की, इसी वजह से यहाँ पर इसका नाम जो है सोन, वो लोग आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पड़ा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जो एनजीटी है उन्होंने साफ साफ एक पर्टिकुलर इशू किया है डायरेक्टिव कि भाई यहाँ पर किसी भी प्रकार की माइनिंग जो चल रही है ना, उसको बंद कर दो। ये डायरेक्टिव जो है वो एड्रेस कर रहे हैं इलीगल माइनिंग को, इम्पोज कर रहे हैं इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन ऑन माइनिंग के कंपनीज। ठीक है, अब अगर हम सोन नदी के बारे में बात करें तो सोन रिवर को हम लोग यहाँ पर सोने रिवर भी बोलते हैं। ये आपकी एक पेरिनियल रिवर है जो कि फ्लो करती है थ्रू सेंट्रल इंडिया। नाउ सोन रिवर आपकी सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, आफ्टर यमुना रिवर। ज्योग्राफी की बात करें तो ये ओरिजिनेट करती है आपके अमरकंटक हिल से। ठीक है, जो कि आपका गुरेला पेंद्रा मारवाही डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, वहां से, और फाइनली ये मर्ज कर जाती है गंगा नदी में, पटना और बिहार की तरफ आती है। ठीक है, अब सोन जो है दैट फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स एट द एज ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू। ये आपकी फ्लो करती है थ्रू फोर स्टेट्स, एक तो आपकी छत्तीसगढ़ हो गई, मध्य प्रदेश हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, और बिहार हो गई। तो ये यहाँ पर आपकी इन चार स्टेट से फ्लो करती हुई नजर आती है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज की बात करें, देखिए ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियाँ। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? घाघर है, जोहिला है, छोटी महानदी है, बनस है, गोपाद है, रिहांद है, कन्हर है, नॉर्थ कोयल रिवर है। ठीक है, तो ये नदियाँ क्या है, इसकी सहायक नदियाँ। प्रोमिनेंट डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस नदी के जो प्रोमिनेंट डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो बाण सागर डैम है मध्य प्रदेश में, एमपी में। रिहान डैम आपको पीपरी में देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, वो भी रिहान नदी पे। इंदिरापुरी बैरेज है बिहार में, जो कि डाइवर्ट करता है वाटर को फ्रॉम दी सोन रिवर टू सोने कैनल सिस्टम फॉर इरिगेशन पर्पसेस। फिर यहाँ पर कोइलवार ब्रिज है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था 1862 में बिहार के अंदर, और ये सर्व करता है एज इंडियाज ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज, जो कि कनेक्ट करता है अरहा को विथ पटना। ओके, आई होप इतनी इंफॉर्मेशन इज परफेक्टली सफिशियंट फॉर यू ऑल। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको सोन नदी के बारे में जानकारी भी मिल गई अच्छी खासी, और पता भी चल गया कि न्यूज़ में क्या चल रहा है कि भाई एनजीटी ने यहाँ पर होल्ड कर दिया है, माइनिंग प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, और जो भी ऐसा करेगा उसको एड्रेस कर दिया जाएगा इलीगल माइनिंग के तरीके। ठीक है, कि आप लोग इलीगल तरीके से माइनिंग कर रहे हो, और इम्पोज कर दिए गए हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल कंपनसेशन। अगर कोई भी माइनिंग कंपनी यहाँ पर माइन करती है तो उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, इसको करना है लाइक, तो वीडियो को यहाँ पर आपको करना है लाइक, ठीक है, शेयर भी कर देना। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरंभ बैच 1 ईयर एंड 2 फाउंडेशन, जो फाउंडेशन बैच है इनका 2 साल का। ठीक है, आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो, 25 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 197 टॉपर्स अब तक अनअकैडमी यहाँ पर दे चुका है। आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने पर। जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आप कोड का इस्तेमाल करेंगे AMS लाइव, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ऑफर आपका एंड होगा 26 मई को। तो 26 मई लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए। इसके बाद आरंभ और फाउंडेशन बैच, जैसे मैंने आपको बताया, ये बैचेस हैं, यहाँ पर आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। जब भी एनरोल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइव। ओके, चलिए आगे बढ़ते, बाकी आप लोगों के लिए ऑप्शनल एजुकेटर्स हैं, आप लोग इनसे यहाँ पर ऑप्शनल अपना कवर कर सकते हो। देन यहाँ पर है आपका फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम, विच इज़ एन
ऑफलाइन बैच, ठीक है? तो ये आपका ऑफलाइन बैच है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो।